हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग ठीक होगे। आज मैं आप लोग के लिए एक हेयर रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, स्ट्रेट एंड हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। ये मैंने लिया है आंवला, अपने लेंथ के हिसाब से मैंने आंवला लिया है। ये होंगे 100 ग्राम आंवला होगा, और 100 ग्राम आंवला में मैं डालूंगी 3 से 4, मतलब 50 ग्राम मैंने लिया सिकाकाई, एंड एक मैं लूँगी रीठा, क्योंकि बालों के लिए रीठा एक सफिशियंट होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप लोग 2 डाल सकते हो, बट एक रीठा सफिशियंट होता है। अब मैं क्या करूँगी, इसको हमने वाटर से पहले वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये जो है सर खड़े इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है तो इसमें थोड़े से जम्स लगे होते हैं, इसलिए मैं इसको क्या करूँगी, हल्का सा वॉश सॉर्ट कर लूँगी, और वॉश आउट और करने के बाद मैं इसको मतलब भिगोऊंगी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर आप लोग खड़े यूज़ कर रहे हो इंग्रेडिएंट्स, तो इसको एक बार वॉश आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें डस्ट और लगे होते हैं। इसलिए ये देख सकते हो मैंने वॉश आउट कर लिया है, और फिर मैं डाल दूँगी इसमें पानी। और पानी जो होता है मैं मिनरल वाटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि हम लोग पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे टंकी का पानी होता है, जैसे कि जो हमारे मोटर का पानी होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। पहले की चीज़ें अलग थी, हमारा खान पान अलग था, रहन सहन अलग था, तो पहले की हार्ड चीज़ें भी हमारे बाल एडजस्ट कर लेते थे, बट इस टाइम क्या है कि हमारे हार्ट मतलब हमारे बाल जो हैं वो खारे पानी को नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते उसमें, इसलिए हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं आप लोग को ये तो यही बोलूँगी कि आप लोग मिनरल वाटर से मतलब बाल भी धुला कीजिए, बट हाँ ये सब जैसे कि कोई इंग्रेडिएंट्स अगर आप लोग मिला रहे हो कुछ भी, तो उसमें मिनरल वाटर यूज़ कर लिया करो। तो ये देख सकते हो मैंने मतलब डीप करके रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे मिलती हूँ, नेक्स्ट डे नहीं, मैं 2 दिन के लिए इसको डीप करके रखूँगी, क्योंकि 2 दिन रखना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन रखोगे तो मिक्सी आपका अच्छे से पीस देगा, तो अच्छे से पीस नहीं पाएगा। और 2 दिन बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तो ये 2 दिन बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब मैं मतलब जब मेरे को वो तैयार करना रहा तब। और ये मैंने डाला है 1 गिलास पानी, और डाला है मैंने फ्लैक्सीड लिया है, ये मैंने फ्लैक्सीड लिया है मुट्ठी भर, और पानी डाला है मैंने 1 छोटा गिलास का। और जब तक कि वो बॉयल हो रहा है तब तक मैं आप लोग को अपने आंवला भी दिखा देती हूँ। उसमें क्या हुआ था कि मेरी मम्मी बोली कि मैं भी लगाऊंगी, तो फिर मैंने और आंवला रीठा डाल दिया, इसलिए फिर मुझे इसको भगोने में रखना पड़ा। नहीं तो अगर आप लोग कम कर रहे हो तो फिर आप लोग लोहे की कढ़ाई में ही रखना, मैं भगोने में रख दी हूँ, लेकिन हाँ मैं पीसने के बाद इसको लोहे की कढ़ाई में ज़रूर रखूँगी रात भर के लिए। ये देख सकते हो हर में बीज होता है, तो बीज को निकालना बहुत ज़रूरी है। बीज नहीं निकालोगे तो मिक्सी हमारा तोड़ देगा मतलब बीज को। और ये फिर क्या करूँगी कि ये देखिए पानी बॉयल हो चुका है, और पानी जैसे ही बॉयल हो जाता है मैं इसमें डाल दी अपनी 1 मुट्ठी और फ्लैक्सीड, जैसे कि हल्का सा बॉयल होने लगे वैसे ही, और गैस को कर देंगे हम लोग एकदम लो। और गैस लो करने के बाद मैंने फ्लैक्सीड जैसे डाल दिया है, अब मैं इसको बॉयल होने दूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हल्का हल्का बॉयल होने लगा है, बहुत ही तेज़ी से बॉयल हो चुका है, और ये 3 से 4 मिनट से लगते हैं, 3 से 4 मिनट्स में ये जेल फॉर्म में अपने आप ही आ जाएगा। ये मैंने लिया है छलनी, और लिया है मैंने कटोरी, ये जेल फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसको छान लेती हूँ। फ्लैक्सीड जो है हमारे बालों को लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, आप इसको मेहंदी में लगा मतलब मिला के लगा सकते हो, या आंवला में भी मिला के लगा सकते हो। मैंने तो इसके पहले आप लोग को मेहंदी में भी मिला के लगा मतलब बताई हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर विजिट करना। और ये जो मैंने हमने बनाया है ना, इसको भी हम लोग रख देंगे, क्योंकि इसको इसका भी यूज़ हमें करना है, हमें इसको फेंकना नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि जेल फॉर्म तो ले लेते हैं, बाकी ये बीज फेंक देते हैं, तो हम लोग सोचते हैं इस बीज का क्या करें, क्योंकि इस बीज में भी बहुत ज़्यादा जेली होते हैं। तो ये देख सकते हो मैंने सारे के सारे बीज निकाल चुकी हूँ, और ये सारे मतलब रीठा सिकाकाई आंवला के सारे बीज निकाल चुके, ढेर सारे देखिए हमारे बीज भी निकल चुके, क्योंकि ढेर सारा आंवला रीठा सिकाकाई था तो ढेर सारा बीज भी निकल चुका है। और ये मैंने लिया है पानी, जो कि हमने मतलब जो बॉयल मतलब जो मैंने उसको मिनरल वाटर को जो मैंने रखा था भगोने में पानी, वही पानी मैंने रखा, क्योंकि उसी पानी से हम लोग आंवला रीठा सिकाकाई को पीसेंगे, क्योंकि वही पानी जो होता है ना वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए मैं उसी पानी से पीसूँगी। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देख सकते हो कि मैंने पीस लिया है एक बार, अब मैं दोबारा पीसने जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं छोड़ दूंगी, और इसी में मैं पीसूंगी फ्लैक्सीड को जो हमने अभी गर्म किया था, क्योंकि इसको आप लोग ऐसे पीसोगे ना तो अच्छे से नहीं पीस पाता, इसको आप लोग मेहंदी या आंवला में मिला करके पीसोगे तो बहुत अच्छे तरीके से पीस जाएगा, और ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये मैं आप लोग को लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि आप लोग इसको एक बार लगाओगे ना खुद ही रिजल्ट पाओगे, और खुद ही मतलब मेरे कहने से कि आप लोग खुद ही लगा के देखोगे, खुद ही बिलीव पाओगे, और फिर इस बात पर ट्रस्ट करोगे कि हाँ ये कमाल का इंग्रीडियंस है। ये देख सकते हो मैंने थोड़ा सा थिक पीसा हुआ है, थिक इसलिए पीसा है क्योंकि ये मतलब नेक्स्ट डे थोड़ा सा खुद ही पानी छोड़ देगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा थिक ही पीसी हुई हूँ। मैं क्या करूँगी कि इसको ओवर नाइट के लिए छोड़ दूंगी, ओवर नाइट रखना बहुत ही ज़रूरी है। देख सकते हो मैंने लोहे की कढ़ाई यूज़ की है, इसलिए लोहे की कढ़ाई में हम लोग ओवर नाइट के लिए इसको छोड़ देंगे, कि जिससे कि ये सारे अग्र जो हैं हमारे लोहे की कढ़ाई के वो हमारे आंवला में आ जाए हेयर पैक में, जो कि हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देगा। तो मैं इसको ढक के भी रख दूँगी, क्योंकि ढक के रखना बहुत ज़रूरी है, कहीं की डस्ट वस्ट ना फैल जाए, और फिर दिक्कत भी हो जाएगी अगर डस्ट वस्ट इसमें पड़ जाते हैं तो आपके बालों के लिए।
तो नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को मिलती हूँ और फिर बताती हूँ नेक्स्ट डे आप लोगों को क्या करना है। तो नेक्स्ट डे के लिए मैं इसको अच्छे तरीके से ऐसे कर दूंगी जिसको जिस जो मतलब इसको कोई छुए भी ना। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट डे मैं इसको खोल के दिखाऊँ तो ये देख सकते हो थोड़ा सा ये अपने फॉर्म में आ चुका है। ये थिक भी है, थिक लगा रही हूँ क्योंकि बालों से गिरे ना, बालों से गिरेगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर 3 घंटे कौन लगा के बैठेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा थिक ही लगाऊंगी अपने बालों में कि जिससे कि ये हमारे बालों में दिखे भी ना, मतलब गिरे भी ना। और मैं पहले लगाने से पहले मैं इसको अच्छे तरीके से मिला लूँगी और अपने बालों को अच्छे तरीके से कॉम कर लूँगी क्योंकि कॉम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने बालों में कंघी नहीं करोगे तो आप लोग के बाल जो हैं मतलब ये पैक लगाने के बाद आप लोग जब बाल धुलोगे तो हेयर फॉल होंगे, थोड़े से मतलब बाल टूट सकते हैं, इसलिए आप लोग पहले इसको कॉम जरूर कर लीजिएगा। कॉम करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये आप देख सकते हो मैंने अपने बालों को जैसे कि मैं पीछे से उठाती जाऊँगी और फिर लगाती जाऊँगी क्योंकि ऐसे लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब हेयर पैक अच्छे तरीके से हेयर पैक लग भी जाते हैं बालों में। एक एक मतलब जोड़ निकालते जाइएगा, लगाते जाइएगा, अब जुड़ा बनाते जाइएगा। मैं तो अपने बालों में खुद ही हेयर पैक लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे किसी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे कपड़े लगाओगे ना तो खुद ही लगा लोगे। और ये भी फायदा रहेगा कि सारे रूट से लेकर के मतलब जड़ से लेकर के टिप्स तक सारे मतलब हेयर पैक आपके अच्छे से लग भी जाएंगे। तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को कि मतलब इस तरीके से आप लगाओगे तो अगर आप लोग ब्रश की मदद से भी लगा सकते हो लेकिन ब्रश भी लगाओगे तो फिर ऐसे ही जूड़ा बनाते जाइएगा जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसे बनाओगे तो आपके रूट से लेकर के टिप्स तक आपके अच्छे तरीके से हेयर पैक भी लग जाएंगे और आपके बालों को बहुत ही अच्छा सिल्की एंड शाइनिंग भी बनाएगा और बहुत ज़्यादा फायदा भी करेगा। ये देख सकते हो मैंने अपने बालों में पूरे लगा चुकी हूँ और इस अच्छे तरीके से लगाने के बाद मैं इसको प्लास्टिक से कवर कर दूंगी। अगर आप लोग प्लास्टिक से कवर करना चाहो तो, अगर आप लोग प्लास्टिक से कवर नहीं करना चाहो तो मत कीजिएगा। ऐसे भी ये सूखे हैं तो फिर गिरेगा नहीं, तो बट मैं प्लास्टिक से कवर जरूर कर दूंगी क्योंकि थोड़ा बहुत काम करूंगी घर का, तो इसलिए मैं प्लास्टिक से कवर कर दूंगी जिससे कि ये हमारे हेयर पैक जो है वो गिरेंगे नहीं। और 3 घंटे तक मैं इसको छोड़ दूंगी, 3 घंटे के बाद मैं इसको हेयर वॉश कर लूँगी, नॉर्मल पानी से हेयर वॉश करूँगी, फिर रात में लगाऊंगी तेल, मतलब जब बाल में सूख जाएंगे फिर तेल लगाऊंगी, फिर उसके नेक्स्ट डे मैं 1-2 दिन छोड़ देती हूँ बाल में तेल लगा हुआ, फिर उसके बाद मैं हेयर मतलब अपने वॉश मैंने हेयर को शैम्पू करूँगी। इससे आप लोगों के फायदे क्या होंगे, हेयर फॉल कंट्रोल होंगे, स्मूथ हेयर होंगे, बल्कि अगर आप लोग इसको डेली करते हो तो स्ट्रेट हेयर भी हो जाएंगे और बेबी हेयर जो होते हैं वो भी आप लोग के आ जाएंगे। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करना एंड मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।